नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव और आपका स्वागत है रिव्यू माजा के एक और एपिसोड में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अच्छे आरओ मेम्ब्रेन के बारे में। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये किसी को आज तक पता नहीं थी दोस्तों, जी हां, आरओ मेम्ब्रेन पे, डव फिल्मटेक आरओ मेम्ब्रेन पे 3 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन वो मिलती है किसको, वो जानने के लिए प्लीज देखिए वीडियो पूरे एंड तक, तभी आपको ये पता चलेगा कि किस किस को वो वारंटी मिलती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आज कि दुनिया का सबसे अच्छा आरओ मेम्ब्रेन कौन सा है, तो वो होता है डव फिल्मटेक का आरओ मेम्ब्रेन, डव फिल्मटेक 75GPD मेम्ब्रेन। और इसकी बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये दुनिया का बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेम्ब्रेन है, और इसके जो रिवर्स ऑस्मोसिस और जो एलिमेंट्स है इसके ऊपर कंपनी डव फिल्मटेक क्लेम करती है। उनके जो ब्रोशर है उसमें मेंशन किया हुआ है कि वो 3 इयर्स प्रोरेटेड लिमिटेड वारंटी एक्सटेंड करती है उनके OEMs को, जैसे कि OEMs यानी कि जिनको वो मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो उनसे OEMs इक्विपमेंट मटेरियल खरीदते हैं उनके लिए ये नॉन ट्रांसफरेबल वारंटी 3 इयर्स की प्रोवाइड की जाती है। कंपनी है वो उनके OEMs को वो 3 इयर्स की नॉन ट्रांसफरेबल वारंटी एक्सटेंड करती है, लेकिन उसके लिए कुछ पैरामीटर्स उन्होंने डिसाइड किए हुए। सबसे पहले उनके पैरामीटर्स कुछ इस तरह से है कि आपके पानी का जो हार्डनेस है वो 250 ppm सॉफ्टेंड टैप वाटर होना चाहिए, और पानी जब आप यूज़ कर रहे हैं उसका 77 फ़ारेनहाइट दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो उसका वारंटी वाइड हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू कंपनी ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी परफॉर्मेंस ऐसे है, इसका 75 GPD फ्लो रेट है जो आपको लीटर पर आवर में काउंट करें तो अप्रोक्सीमेट 12 लीटर तक आता है। लेकिन फिर अगेन वही उसके कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि मैंने आपको TDS बताया, मिनिमम TDS रिक्वायरमेंट उनकी है 250 ppm के ऊपर अगर जाता है तो इसके अंदर आपका जो फ्लो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें जो अप्लाइड प्रेशर, जो मेम्ब्रेन को लगने वाला प्रेशर है, वो भी कंपनी ने बता दिया है उनके स्पेसिफिकेशंस में, उनके डेटा शीट के अंदर, कि ये मेम्ब्रेन को 50 psig के ऊपर का प्रेशर अगर दिया जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो सकता है, और 50 psig के नीचे अगर प्रेशर जाता है तो भी वो मेम्ब्रेन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्पाइरल बाउंड मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एक पॉलीमाइड की थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन यूज होती है, जिसके वजह से इसकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है, और बाकी के सारे मेम्ब्रेन्स को पीछे छोड़ के ये डव फिल्मटेक जो है हाई TDS में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनका हाई TDS में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और मैंने जहाँ पे भी यूज़ किया है इसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कुछ कुछ जगह पे अगर इसके जैसे बताया गया है 50 psig प्रेशर हो, 75 GPD आप इसे चला रहे हो और सॉफ्टेंड 250 ppm उसका हार्डनेस हो पानी का और 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करें, तो ये मेम्ब्रेन इकलौता ऐसा मेम्ब्रेन है जो 99% आपका रिजेक्शन करता है, और इतना ज़बरदस्त रिजेक्शन रेट शायद ही मैंने किसी मेम्ब्रेन के बारे में देखा होगा। तो अगर आपको ये मेम्ब्रेन अच्छी लगी, आपने कभी यूज़ किया होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए आपका रिजल्ट कैसा रहा। बाकी ये मेम्ब्रेन सारे जितने भी इंडिया में वेल नोन कंपनीज हैं सब लोग ये मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, और बेहतर रिजल्ट उनको इसी के वजह से मिलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आप 75 GPD में अगर 600 FR यूज़ करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप 300 यूज़ करेंगे या 250 यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर है वो कैलकुलेट करके आप इसको इंस्टॉल कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर एक लाइक प्लीज देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।